नमस्कार दोस्तों, आज देखिए हम रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दिन और रात्रि में जो अंतर हो जाता है, कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात्रि बड़ी हो जाती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी समय पहले हमने रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पे एक वीडियो अपलोड किया था और उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था। लेकिन देखिए, बाद में उस वीडियो में हम जब थोड़ा आगे जाते हैं तो उसमें वॉइस और एनिमेशन में मिसमैच हो जाता है। इस कारण से हम वो वीडियो बहुत अच्छा नहीं लगा है। हालांकि उस पे लाइक भी अच्छे आए हैं और व्यू भी अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी है वो वीडियो है, मुझे लगता है उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। इसके कारण हम उसको वापस मॉडिफाई करके अपलोड कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, तो पहले हम रोटेशन के बारे में जान लेते हैं। इसे टॉप को ऑब्जर्व कीजिए, ये टॉप जैसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस पर एक इमेजिनरी एक्सिस बन रही है ना। जब ये टॉप अगर ये रोटेट करना बंद कर दे तो ये इमेजिनरी एक्सिस क्या होगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना, कोई इमेजिनरी एक्सिस नहीं होगी। उसी प्रकार अर्थ में होता है, देखिए आगे, अर्थ में जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है वो उसकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई, और जब ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो ये इमेजिनरी एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल ये क्या होगी, इमेजिनरी एक्सिस, और इस एक्सिस पे अर्थ है अपनी एक्सिस पे स्लाइटली टिल्टेड भी होती है, और स्लाइटली टिल्टेड होती है तो कुछ एंगल भी बनाएंगी, तो एंगल कितने का होगा, 23.5 डिग्री का एंगल होता है। इसके बाद अर्थ का रोटेशन है ना, अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन वो क्या कहलाता है, अर्थ का अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करना वो क्या कहलाता है, रोटेशन, यानी कि स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और ये रोटेशन हमेशा फिक्स्ड होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट होता है, फिक्स होता है ना। और कितना टाइम लेती है एक रोटेशन में अर्थ, कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स, है ना, 24 घंटे लेती है अपना एक रोटेशन पूरा करने के लिए अर्थ। अब हम आगे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लाइट है इस बॉल पे हम डाल रहे हैं, जहाँ पे बॉल पे लाइट डाल रहे हैं वहाँ पे तो हम एकदम साफ दिख रहा है, डे हमें लग रहा है कि यहाँ पे डे है, और जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है वो क्या होगा, नाइट हो गया। उसी प्रकार अर्थ में होता है ना, जहाँ पे सन की किरणें हैं जो अर्थ पे आती है स्लाइटली, है ना, एकदम आ रही है अर्थ के जिस फेस पे आ रही है वो तो हो गया डे, और जिस भाग में नहीं आ रही है वो हो गया नाइट, है ना। इसी प्रकार डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है, जब रोटेट करती है अर्थ तो जहाँ पे लाइट आ रही है वहाँ तो डे हो गया, जहाँ नहीं आ रही है वो नाइट हो गया। लेकिन ये मानिए कि अगर ये रोटेट करे ही नहीं तो फिर क्या होगा, फिक्स हो जाएगा एक जगह दिन और रात, फिक्स हो जाएगा वहाँ पे, हमेशा दिन रहेगी एक जगह और दूसरी जगह रात हो जाएगी, तो फिर तो यह तो लाइफ का जो साइकिल वो बिगड़ जाएगा ना। तो हमें इससे बहुत फायदा मिलता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, दिन रात का जो साइकिल चलता रहता है। अगर सन किसी जगह ओवरहेड एकदम हमारे सर पे ही है तो वहां क्या होगा, 12 नून मतलब 12 बजे हैं। डॉन और डस्क की स्थिति क्या होती है, जो सनराइज के जस्ट पहले की स्थिति होती है वो क्या होता है, डॉन, और जो सनसेट के जस्ट बाद की स्थिति होती है वो क्या हो जाता है, डस्क, है ना, डॉन और डस्क, ये डॉन और डस्क की स्थिति होती है ना। डॉन और डस्क को, डस्क के यानी कि डस्क के लिए हमें एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डस्क के लिए क्या होता है, ट्विलाइट। डस्क के लिए एक अदर वर्ड यूज होता है ट्विलाइट, है ना, ट्विलाइट। आगे चलते हैं। हम जब ट्रेन में सफर करते हैं तो हमें दिखता है कि जो बाहर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें दूर जाते दिखाई देते हैं ना, चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो नॉर्मली होता क्या, वो तो रियली में तो स्टेबल है, चल तो हम रहे हैं ट्रेन के साथ, है ना। तो ऐसा भी, ऐसा ही अर्थ में होता है ना, है ना। रिवोल्यूशन तो या रोटेशन तो अर्थ का होता है, लेकिन लग रहा है कि अर्थ का नहीं, जैसे सन है, सन वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना ट्रेन वाला। डे जस्ट बिफोर द सनराइज द ईस्ट इज कोल्ड डॉन, ये तो हमने कर लिया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, जापान, जापान को क्या कहते हैं, डॉन सिटी ऑफ, सॉरी, हाँ, डॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सनराइज सबसे पहले होता है, इसलिए वहां पे डॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं जापान को, है ना। वहां पे सनराइज और सनसेट, यानी कि सनराइज सबसे पहले होता है और सनसेट भी सबसे पहले हो जाता है, दोनों वहाँ पे दोनों फॉर्मेशन सबसे पहले ही होते हैं। एक्सिस पे जब अर्थ है घूमती है, रोटेट करती है, तो वो होता है रोटेशन।
लेकिन रिवोल्यूशन है सन के चारों ओर होता है, सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो इसको कहा जाता है रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, हमारे सीजन का फॉर्मेशन होता है, और रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात्रि यानी कि डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। अब आगे हम इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं कि सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी सीजन कैसे बनती है उसके बारे में। देखिए, अब हम सन और अर्थ के बीच में कुछ पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में लेंगे सूर्य को, और फिर है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लेंगे। देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे की स्थिति है, ये जून की पोजीशन है। जून के महीने में जो सूर्य है जो टॉपिक ऑफ कैंसर पे लंबवत चमकता है, तो उस स्थिति में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और विंटर होती है साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्या होती है, विंटर होती है, क्योंकि वहां पे सूर्य लंबवत नहीं चमकता है। लेकिन दूसरी स्थिति देखिए, यहाँ पे जो सूर्य है वह अब है साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबवत चमकता है, यानी कि जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है यानी कि जो मकर रेखा है वहां पे सूर्य लंबवत चमक रहा है, इस कारण है साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है गर्मी है, और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है दिसंबर समय में आपको पता है यहाँ हमारे यहाँ पे क्या होता है, सर्दी होता है। तो हमने ये डिस्कस की पोजिशन ए और पोजिशन बी, तो इससे आपको समझ में आ गया कि समर और जो विंटर का जो कंपैरिजन है। लेकिन देखिए, अगर ये हमारी जो पृथ्वी है अपनी एक्सिस पे थोड़ी झुकी हुई है, अपनी एंगल पे थोड़ी टिल्टेड है, अगर ये अपने एंगल पे टिल्टेड नहीं होती तो क्या होता, अगर यह सीधी होती, समझ लीजिए टिल्टेड नहीं होती, तो केवल हमारे दो ही सीजन होती, एक होती सर्दी और एक होती गर्मी। लेकिन यह हमारी एक्सिस पर थोड़ी टिल्टेड है, इसके कारण हमारे जो लगभग चार ऋतुएं हमारे जो पृथ्वी पर हैं बनती हैं। ओके, अब नेक्स्ट पोजीशन हम डिस्कस करते हैं, जब सूर्य है इक्वेटर पे यानी कि जो हमारी भूमध्य रेखा पे उस पे लंबवत चमकता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारे पूरे पृथ्वी पर दिन और रात्रि है समान होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि। देखिए 21 मार्च का दिन, देखिए यहाँ पे 21 मार्च को है सूर्य इक्वेटर पर लंबवत चमकता है, तो इसको कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनोक्स, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि होती है। और नेक्स्ट स्थिति देखिए 23 सितंबर की, 23 सितंबर यहाँ पे होता है ऑटम इक्विनोक्स, और इस पे भी है सूर्य है जो लंबवत चमकता है भूमध्य रेखा पे यानी कि इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जब भी लंबवत चमकता है तो उस स्थिति में है दिन और रात्रि है बराबर होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात्रि होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो 21 जून का जो डे होता है, इस स्थिति में क्या होता है, जून का महीना क्या होता है, जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है, गर्मी होती है। और जो 21 जून का जो डे है हमारे उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, और वहीं जो 21 दिसंबर है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है। कहीं कहीं यहाँ पे 22 दिसंबर भी लिखा होगा, तो कोई बात नहीं, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही चीज है। तो 22 या 1 दिसंबर का जो डे है हमारे क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वहां पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है, और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में क्या होती है, विंटर होती है, क्योंकि जो सूर्य है वह मकर रेखा पे लंबा चमकता है, कर्क रेखा पर नहीं चमकता है। तो सॉरी, ये दोनों स्थितियों को हमने जान लिया, एक बार हम और इनको कंपेयर करके आगे देखेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि जो हमारी पृथ्वी है वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, और इसके अलावा अराउंड 23.5 डिग्री एंगल पे थोड़ी झुकी हुई भी है। अब देखिए, जो चारों पोजीशन हम एक साथ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, 22 दिसंबर या 21 दिसंबर नॉर्दर्न में क्या होता है, विंटर, साउदर्न में क्या होता है, समर, 21 मार्च को क्या होता है, दोनों जगह दिन और रात्रि बराबर होती है साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 21 जून को क्या, नॉर्दर्न में समर, और 23 सितंबर नॉर्दर्न में क्या होता है, विंटर, और साउदर्न में क्या होता है, समर होता है। तो यह सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, आई होप आपको सारी चीजें समझ में भी आ गई होगी, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इस डिस्कशन में इतना ही, डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।